एक दिन में विशेष सत्र में सीएम भगवंत मान ने चंडीगढ़ में केंद्रीय सेवा कानून लागू करने के विरोध में प्रस्ताव पेश किया। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार द्वारा चंडीगढ़ में केंद्रीय सेवा नियमों को लागू करना पंजाब के पुनर्गठन एक्ट का उल्लंघन है। ऐसे में केंद्र सरकार इस आदेश को वापस ले। मान ने केंद्र सरकार से चंडीगढ़ को पंजाब स्थानांतरित करने का प्रस्ताव रखा और बीबीएमबी में पहले वाली स्थिति बहाल करने की मांग का भी प्रस्ताव पेश किया। विशेष सत्र में बोलते हुए सीएम भगवंत मान ने कहा कि पंजाब पुनर्गठन एक्ट के तहत चंडीगढ़ को केंद्र शासित बनाया गया था। पंजाब का कुछ हिस्सा चंडीगढ़ को दिया गया है। केंद्र सरकार ने पहले भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड के पदों के लिए भी सभी सरकारों को कह दिया है। पहले ये पद पंजाब से भरे जाते थे। चंडीगढ़ में भी केंद्र के ने बाहर के अफसरों को तैनात किया है। वहीं चंडीगढ़ में केंद्रीय कानून लागू कर दिए गए हैं। चंडीगढ़ को पंजाब की राजधानी बनाया गया था। गुरदासपुर के बटाला से मामला सामने आया है, जहां ठगी के शिकार हुए अलग अलग गांवों से आए नौजवानों ने एसएसपी के दफ्तर के बाहर रोष प्रदर्शन किया और पुलिस के खिलाफ भी नारेबाजी की। उन्होंने कहा, पुलिस ठग एजेंट के साथ मिली हुई है। बीते कुछ दिन पहले हमारी तरफ से उधनवाल चौकी में ठग एजेंट को पकड़ा गया था, परंतु पुलिस ने कार्रवाई करने की बजाय उसको छोड़ दिया। दूसरी तरफ डीएसपी ने मौके पर आकर धरना प्रदर्शन कर रहे नौजवानों को आश्वासन दिया है। ये मसला साढ़े को सब तो पहला है, मेरे वीर हरी सिंह जी अत्तेपुर लैके आए थे अक्तूबर के महीने के इन्हों के नाल एक मोहन सिंह मोनी और शुभम भगत एजेंट है बटाले के, जिन्होंने ठगी मारी बहुत व्डे पद्धर से 7.5 लाख रुपए की इजराइल का डुप्लीकेट वीजा दे के पासपोर्ट कटो। इस तो अलावा यह भैन जी उन्होंने बेटे नाल ठगी मारी गई आ, रशिया का डुप्लीकेट वीजा दे के 1,40,000 की इन्हां बाऊ जी ने ठगी मारी गई बटाले दफ्तर के रशिया के नाँ से 1,00,000 रुपए की। पिछे जिहड़े वीर ने उन्होंने नाल अमृतसर ठगी मारी गई, जिहड़े पिछे धरना लगा रहे हैं वो अमृतसर की पुलिस कार्रवाई कर रही आ। कल दफ्तर उन्होंने सारा जिहड़ा वा पुलिस ने जिहड़ा वा चेक करके सारा रिकॉर्ड सील कर लिया वा। इन्हां दी कोई शिकायत सी जी इमीग्रेशन कोई एजेंट है उसके खिलाफ, उसके बारे वो अपना रोस प्रकट कर रहे थे। इन्हां नूं मैं कहा कि मेरे को आके दरखास्त दो, आप जिहड़ी कार्रवाई हैगी कानून वो आप करांगे। डिप्टी साहब, पंजाब पुलिस ने बड़े वड्डे आरोप लाए ने कि पंजाब पुलिस दी जा रही है एजेंटा दे नाल, ठग एजेंटा दे नाल बार बार नारेबाजी की जा रही है। जरनैल सिंह ते तुहाडे अधिकारी ने जिन्हां ते आरोप लाए। देखो जी, मेरी गल सुनो, वैसे जुड़े भी आरोप अगर साबित हो गए तो आप सीनियर ऑफिसर नूं लिख के जिहड़ी बनदी कार्रवाई डिसिप्लिनरी एक्शन है वो जरूर लेंगे। लेकिन उस तो पहला जिहड़ी भी इन्हां तो मैं रिक्वेस्ट की है कि जिहड़ी इन्हां दी दरखास्त है वो प्रॉपर तरीके नाल सानू दो एंड आप उहदा कानूनी तौर पर हल कढ के देंगे। नीयर रिपोर्ट मेरे को 7 महीने पहला ना इन्हें फोन पर गलबात हुई आयरलैंड के वीजे की। इन्हें मेरे वीजे की गल करनी, मैं पासपोर्ट देते इन्होंने मैंने वीजा दे के तो मैंने कहते पैसे देते, मैंने पैसे देते 7 लाख रुपया मेरे वाल चला गया, 2.5 लाख चैक रही, 5 लाख रुपया नकद दिता मैं इन्होंने। उस तो बाद मैं स्टिकर इन्हें वीजा मेल किया आ वाला वीजा, ये मैं वीजा जरा वा मेल अंबैसी भेजी कि तुम वीजा इशू किया, उतों मैं पता लग गया वीजा जाली आ। मैं इन्होंने पैसे लैन वास्ते घर बुला लिया, घर बुला के पार्टी आई मेरे नाल, असी इन्होंने रंगे हथ फड़िया पैसे गिणद्या बाद चौंकी इंचार्ज उधनवाल हैंडओवर किया। चौंकी इंचार्ज ने इन्हों गेटमेट रात एजेंटा करके तो मैनू भरोसा दवाता भी 16 तरीक तेन पैसे मिल जाएंगे, मैं चैक कटा के देते 5 लाख के सॉरी 7.5 लाख के। 16 तरीक लंघ दी, 17 तरीक लंघ दी, 18 तरीक मैं पुलिस को जाना, पुलिस इतने आँदी आ ये दफ्तर डेढ़ रोड से उन्होंने को पुलिस वाला जो मुलाजम वो पैसे लैके वापस मुड़ जाता वा, कार्रवाई कोई नहीं की जाती। मैं गेड़े मारदा महीना डेढ़ महीना गेड़े मारे हैं चौंकी इंचार्ज के। गुरदासपुर में कार की टक्कर से एक महिला घायल हो गई, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं नशे की हालत में कार चला रहे युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस बीच आरोपी की पुलिस से धक्का मुक्की के साथ साथ मारपीट भी हो गई। एसएचओ सिटी रणजीत सिंह ने कहा कि बड़ी मुश्किल से आरोपी काबू में आया है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है।
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਟਾਲਾ ਰੋਡ 'ਤੇ ਵੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰਿਕ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਅਜੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਅੱਛਾ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਬੰਦੇ ਫੜ ਲਏ? ਹਾਂਜੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜਸਟ ਜੋ ਹੁਣ ਬਿਆਨ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਜੋ ਵੀ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਤੇ ਦੋ ਜਾਣੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਸਟਾਫ ਨਰਸ ਅੰਜਨਾ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਘਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਗੈਸ ਹੋਂਡਾ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕਦਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਾਸਟ ਗੱਡੀ ਆਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਗਿਰ ਗਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਨ ਹੈ ਅਨਕੰਟਰੋਲੇਬਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਤੇ ਸੀ? ਮੈਂ ਮੋਪੇਡ 'ਤੇ ਸੀ ਐਕਟੀਵਾ 'ਤੇ ਜੇ ਪਿੱਛੋਂ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ ਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕਦਮ ਰੋਂਗ ਵੇ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਸਟੇਬਲ ਹੋਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੋਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਈ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਇੱਥੇ? ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਲੜਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਾਲਾ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਟੋ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਆਇਆ। गुरुदासपुर के बाईपास पर स्थित एक निजी स्कूल में 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म होने के साथ बच्ची परिवार ने जो है स्कूल पर आरोप लगाए हैं। बच्ची के परिवार वालों ने स्कूल के बाहर रोष प्रदर्शन कर अमृतसर जम्मू नेशनल हाईवे जाम कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस जांच की बात कर रही है। अधिकारियों ने कहा कि बच्ची का मेडिकल टेस्ट करवाया जा रहा है। डीएसपी सुखपाल सिंह ने कहा कि पीड़ित बच्ची के माता पिता के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और जाम खुलवा दिया गया है और बच्ची का मेडिकल करवाया जा रहा है। जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज इन्फॉर्मेशन आई सी भाई एक छोटी बच्ची जड़ी सुखजिंदरा कॉलेज के पढ़ती सी LKG 4 साल एज है एलर्ज रेप की जी इन्फॉर्मेशन सी ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਲੜਕੀ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਲੱਸ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਸਰ ਕੋਈ ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ? ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਸਟ FIR ਲਾਂਚ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਈ ਹੈ FIR ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਔਰ FIR ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜਿਹਦਾ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੋਏਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੈ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਖ਼ਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤੀ 10 ਵਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਬਾਥਰੂਮ ਚੱਲਾ ਅਤੇ ਇੱਕਦਮ ਮੰਮਾ ਪੀੜ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਥੱਲੇ ਸਾਰਾ ਬਲੱਡ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਕੀ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਟੀ ਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਮੇ ਭੇਜਦੇ ਆ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਧੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਧੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਜੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਭੇਜੀ ਆ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋਇਆ LKG ਕਲਾਸ 'ਚ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ? 4 ਸਾਲ। ਕੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋਇਆ? ਗਲਤ ਕੰਮ ਜੋ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਬਾਅਦ? ਬਾਹਰ ਇਹਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ ਕਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਨਫੋਰਮ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਨਫੋਰਮ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ। ਕਦੋਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਕਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਰੀ? ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸਕੂਲ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਦੁਪਹਿਰੇ ਹੀ ਬੱਸ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉੱਦਾਂ ਰੋਜ਼ ਬੱਚੀ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਡਮ ਦਾ ਪਰਸੋਂ ਫੋਨ ਰਾਤੀ 10:30 ਆਇਆ ਕਿ ਯੂਨੀਫੋਰਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਯੂਨੀਫੋਰਮ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੇਜੋ 8 ਦਿਨ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਫੋਰਮ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਉਹ ਧਾਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਧਾਰੀਵਾਲ ਲੈਣ ਲਈ ਕੱਲ੍ਹ ਗਏ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਸਕੂਲੋਂ ਹੀ ਪਿਕਅਪ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਸਹੁਰੇ ਨਾਲ ਆਈ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਧਾਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਯੂਨੀਫੋਰਮ। ਯੂਨੀਫੋਰਮ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ 5 ਵੱਜ ਗਏ ਆ ਘਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਥਕਾਵਟ ਕਾਰਨ ਸੋ ਗਈ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸਹਿਮਿਆ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਰਾਤੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਮੈਂ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਉੱਠ ਬੱਚੇ ਕੀ ਗੱਲ ਪੁੱਤ ਤੈਨੂੰ ਹੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਥਰੂਮ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੰਮਾ ਮੈਨੂੰ ਦਰਦ ਹੋਣ ਡੀ ਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋਈ ਦੀ ਆ। खाद से भरी 58 बोगियां ले जा रही एक मालगाड़ी गुरदासपुर रेलवे स्टेशन पर एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई। ट्रेन के पटरी से उतरने के कारण पठानकोट से अमृतसर जाने वाली 2 ट्रेनों रावी और टाटा एक्सप्रेस को रद्द करना पड़ा। पीछे कोई रेलवे गार्ड नहीं था जिसके कारण दुर्घटना हुई।
रेलवे अमृतसर के मंडल संचालन प्रबंधक अशोक सिंह ने कहा कि मैं मौके पर पहुंच गया हूं। दुर्घटना की जांच के लिए 4 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है और जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पटरी से उतरे कोचों को क्रेन से उठाया जा रहा है ताकि रेलवे लाइन को फिर से खोला जा सके। बोगे लगने ही खाद दे ते उधरों गड्डी बैक कार रहेगी दूजी लेंथ करके तो जी लेंथ लगनी उतो आ रही तो ड्राइवर की भाई ब्रेक नहीं लगी जा की है बहुत तेज आई है तो डिवाइडर जरा फुट के पिछले लगे। अच्छा हाँ जी वैसे खराब होया वा तो फिर पता लगा कि भाई गड्डी पिछे कोई हादसा हो गया वा तो ड्राइवर मगर कोई है नहीं है बोगे च ट्राली मगर कोई है नहीं ब्रेक च ये वजह ना फिर ड्राइवर को पता नहीं लगा रेगुलेशन पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि चंडीगढ़ दोनों राज्यों हरियाणा और पंजाब की राजधानी है और रहेगी। दोनों राज्यों के बीच केवल चंडीगढ़ का ही मसला नहीं है बल्कि SYL नहर और हिंदी भाषी क्षेत्र समेत कई मुद्दे हैं। मुख्यमंत्री खट्टर ने बताया कि साल 1966 में पास हुए पंजाब पुनर्गठन एक्ट से पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ अस्तित्व में आया था। इस एक्ट में प्रावधान है कि चंडीगढ़ के 60% कर्मचारी पंजाब से और 40% कर्मचारी हरियाणा से होंगे। उसी समय से चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब की राजधानी है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सिर्फ पंजाब और हरियाणा ही नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश के लोग भी चंडीगढ़ में अपना शेयर मांगते हैं। कोई समझौते का कोई विषय आएगा तो केवल एक चंडीगढ़ को दोनों स्टेट्स की राजधानी के रूप में रखा गया था और 60-40 का जो रेशो है उसमें सारा हमारा एम्प्लॉइज का बिल्डिंग्स का ये सब उस समय से चल रहा है आज भी वही है। इस प्रकार से एक तरफा रेजोल्यूशन पास करने का उन्होंने एक रिकमेंडेशन की है कि सरकार इस विषय को टेकअप करे तो ऐसा रेजोल्यूशन रिकमेंड करने का कोई अर्थ नहीं है क्योंकि ये केवल पंजाब का विषय नहीं है ये हरियाणा का भी विषय है। इवन थोड़ा शेयर हिमाचल के लोग भी मांगते हैं 7.19% शेयर हिमाचल का भी कोर्ट ने एक बार एक आदेश दिया था हालांकि 7.19 है इसलिए बहुत आग्रह उनका नहीं था लेकिन फिर भी तीनों स्टेट्स की इसमें हिस्सेदारी है। हिमाचल ने अपनी राजधानी शिमला बनाई है लेकिन हरियाणा और पंजाब की राजधानी दोनों की चंडीगढ़ है और दोनों की रहेगी। कोई समझौते का कोई विषय आएगा तो केवल एक चंडीगढ़ नहीं है इसमें मल्टीपल इश्यूज हैं और SYL भी है उसमें हिंदी स्पीकिंग एरिया भी है तो ये सारे विषय जब एक साथ बैठ करके कभी को करने की बात आएगी तब तो कोई विषय आगे बढ़ता है अन्यथा वन साइडेड रेजोल्यूशन का कोई अर्थ नहीं है बेमानी है।